वाले हैं पटौदी खानदान के नवाब अभिनेता सैफ अली खान का वो खत जो अमृता सिंह के लिए उन्होंने शिकायत के साथ दर्द के साथ भेजा था। इंटरव्यू के माध्यम से अपनी तकलीफ बयां करने उन्होंने चाही थी। आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में सैफ और अमृता के तलाक के बाद बच्चों को लेकर सैफ का जो दर्द छलका उसकी वजह से कैसे वो अपनी ज़िंदगी में आए दूसरी लेडी की वजह से परेशान हो गए थे। सैफ अली खान ने अमृता सिंह के साथ साल 2004 में तलाक ले लिया था। साल 2004 में 13 साल की शादीशुदा जिंदगी का इन्होंने अंत कर दिया था। 12 साल बड़ी अमृता के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद सैफ और अमृता जब एक दूसरे से अलग हुए तो इन दोनों को अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट जाना पड़ा। अमृता को कस्टडी मिल गई बच्चों की, सैफ को बच्चों से मिलने में परेशानी होती थी तो इसका जिक्र उन्होंने किया। एक इंटरव्यू उन्होंने जब दिया साल 2005 में, एक साल तक सफ़र करने के बाद सैफ ने बताया उनकी ज़िंदगी में जो उनकी गर्लफ्रेंड रोमानियन डांसर रोज़ा थी उसके कारण सैफ को अपने बच्चों से पर्सनली मिलने नहीं दिया जाता था और वो अपनी बेटी बेटे के लिए तरसते थे, खुद को बहुत बुरा पिता मानते थे। सैफ अली खान ने बताया, माई वाइफ एंड आई हैव गॉन आवर सेपरेट वेज। मैं और अमृता एक दूसरे से अपना रास्ता अलग कर चुके हैं। वो अपनी पत्नी अमृता सिंह का स्पेस का सम्मान करते हैं और वो अपने आप को हमेशा इस चीज़ का याद दिलाते हैं कि कितने बुरे पति थे वो और कितने बुरे पिता है वो। और उनके बेटे इब्राहिम की फ़ोटो उनके वॉलेट में है, वो देखते हैं तो वो रोते हैं। अपनी बेटी सारा को वो मिस करते हैं, उन्हें इजाज़त नहीं है बच्चों से अकेले मिलने की अकेले में, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि उनके बच्चों को उनकी माँ के खिलाफ उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भड़काएगी और ये बहुत बुरा है। अमृता इस बारे में अच्छे से जानती हैं, ये कहा था सैफ ने। और वहीं सिमी ग्रेवाल के सामने भी उन्होंने कहा, ये घर छोड़ने के बाद वो कभी नहीं लौटे, आई नेवर लेफ्ट द हाउस आफ्टर दैट। यानी कि अमृता सिंह और सैफ अली खान एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे बच्चों की वजह से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।